वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद की एएसआई सर्वे की रिपोर्ट अब जल्द सामने आ जाएगी, क्योंकि इसको लेकर 24 जनवरी को सुनवाई के दौरान जिला जज ने आदेश कर दिया है कि सर्वे की रिपोर्ट पक्षकारों को दे दी जाए। बुधवार दोपहर जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने सुनवाई के दौरान आपत्ति करने वाले मुस्लिम पक्ष से पूछा कि आखिर जब तक एएसआई रिपोर्ट की कॉपी पक्षकारों को नहीं दी जाएगी तब तक उस पर आगे सुनवाई कैसे होगी। हिंदू पक्ष से कोर्ट में मौजूद वकील विष्णु शंकर जैन ने इस बात पर लगातार जोर दिया कि रिपोर्ट की कॉपी पक्षकारों के ईमेल पर प्रोवाइड कराई जाए, जिसको लेकर एएसआई की तरफ से यह आपत्ति की गई। ईमेल पर रिपोर्ट की टेम्परिंग हो सकती है और रिपोर्ट साइबर फ्रॉड का भी शिकार हो सकती है, इसलिए इसकी हार्ड कॉपी ही मुहैया कराई जाए। इस पर मुस्लिम पक्ष भी सहमत हुआ। इसके बाद जिला जज ने एएसआई की ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट पक्षकारों को हार्ड कॉपी देने का आदेश कर दिया है। अब 2 से 3 दिनों के अंदर सर्वे की रिपोर्ट सामने आने की उम्मीद है। इस बारे में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि दोनों पक्ष हिंदू मुस्लिम से यह सहमति बन चुकी है कि एएसआई सर्वे की रिपोर्ट की हार्ड कॉपी उनको उपलब्ध कराई जाएगी। इस पर उचित ऑर्डर को कोर्ट पास करेगा। कोर्ट अपने ऑर्डर में क्या क्या लिखता है यह देखने के बाद ही पता चल पाएगा। दोनों पक्षों में यह सहमति बन चुकी है कि उनको एएसआई की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। अंडरटेकिंग लेने के सवाल के जवाब में विष्णु शंकर जैन ने कहा कि उसको लेकर कोर्ट में किसी तरह का आदेश नहीं किया है, जब ऑर्डर आएगा तो पता चलेगा। ईमेल पर रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध कराए जाने की मांग को पुरातात्विक सर्वे के वकीलों ने यह करते हुए आपत्ति की थी कि ऐसा करने से साइबर फ्रॉड हो सकता है। उन्होंने बताया कि जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा तब हार्ड कॉपी के लिए उनकी तरफ से अप्लाई किया जाएगा और सर्वे रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा। वहीं मुस्लिम पक्षियों से वकील तौहीद खान और मिराजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि जिला जज ने यह आदेश कर दिया है कि सभी पार्टी को ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे की रिपोर्ट कॉपी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट पब्लिक ना होने पर इसको लेकर आपत्ति की गई थी ताकि उसका मीडिया ट्रायल ना शुरू हो और ना ही लोगों में वैमनस्यता फैले। लोगों के बीच में ये रिपोर्ट ना जाने पाए, इसके जवाब में मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने बताया कि इसको लेकर जिला जज ने कोई अलग से आदेश नहीं किया है। मुस्लिम पक्ष के वकील इस बात पर भी राजी नजर आए कि अब रिपोर्ट आम लोग भी पढ़ सकते हैं और रिपोर्ट पूरी तरह से सार्वजनिक हो जाएगी। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।